ये हैं मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री कौशल किशोर। मंत्री जी खुद यूपी के मोहनलालगंज से सांसद हैं और पत्नी जय देवी बलियाबाद से विधायक हैं। लेकिन इनको एक बात का मलाल है, कुछ ऐसा जो ये बहुत ताकतवर होते हुए भी ना कर पाए। एक ऐसी कसक है जो इन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। एक जवान बेटे का अपने माँ बाप के सामने हमेशा के लिए चले जाना, ये दर्द ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर उर्फ जेबी अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ करके और शराब पीने लगा। मुझे 4 साल बाद पता चला और वो बाहर से पता चला, पता ही नहीं चल पाया। जब वो बीमार हुआ तब पता चला। हम ले गए हॉस्पिटल, एडमिट कराए, 6-6 महीने हमने एडमिट रखा नशा मुक्त केंद्रों में। उसने नहीं पिया शराब, लेकिन जब लौट के निकल के घर आता था कुछ दिन तो ठीक रहता था। उसके बाद कोई ना कोई दोस्त उसका फिर धीरे से शुरू करा देता था। तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाता है जब नशा, तो एक छोड़ना मुश्किल काम हो जाता है। और इसलिए अभी विगत 17 अक्टूबर 2020 को मैं दतिया में माता जी के दरबार में था। सुबह 6 बजे उसने फ़ोन किया मेरे बेटे ने, पापा मुझे खून की उल्टी हुई। मैंने अपने और दूसरे बच्चों से कह के उसे एडमिट कराया, लेकिन उसका लीवर डैमेज हो गया था। और विगत 19 अक्टूबर 2020 को 2 दिन के अंदर मेरे लड़के की आकाश किशोर की डेथ हो गई, 28 साल की उम्र। दरअसल जिस दिन से इनका बेटा आकाश किशोर उर्फ जैवी का देहांत हुआ, तब से मंत्री कौशल किशोर और विधायक जय देवी ने ये प्रण ले लिया कि अब देश का कोई भी बच्चा नशे की लत में पड़कर अपना सुनहरा भविष्य और अनमोल जिंदगी नहीं खोएगा। कौशल किशोर इसे लेकर पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं। और उसी समय हमने एक संकल्प लिया, चिता में आग लगाते समय एक ट्रस्ट का निर्माण भी किया, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का, कि हम अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब हम दूसरे के बच्चों को नशे की वजह से मरने नहीं देना चाहते। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करूँगी। हम अपने समाज को नशा मुक्त एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए प्रत्येक युवा को जागरूक करेंगे। तमाम दावों, वादों और बहसों के बावजूद नशा हमारी जिंदगी में घुलता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी मौन सहमति भी है। चाहे वो ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध हो, हाई प्रोफाइल पार्टियां या ऐसे ही दूसरे सेलिब्रेशन, शराब ड्रग्स इनका एक जरूरी हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, जिन्हें युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं। कई बार तो वही फ्रीडम के नाम पर इस कल्चर के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन फिर भी मोदी सरकार के मंत्री का ये अभियान एक बेहतर कल की उम्मीद दिखाती है। ऐसे में बहुत कुछ युवाओं पर भी निर्भर करता है कि अच्छे और बुरे भविष्य में से एक अच्छे फ्यूचर को ही चुने। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.